नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि कुछ छात्र आजकल बहुत ही असमंजस में हैं। दसवीं कक्षा के तो कुछ एक लगभग पेपर हो गए थे, कुछ एक वोकेशनल पेपर बचे हुए थे जिसके बारे में सीबीएसई ने कह दिया है कि वो अब नहीं होंगे। लेकिन बारहवीं कक्षा के कुछ एक विषय हैं और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन से विषय हैं, किन के पेपर होंगे, कौन कौन से हैं, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। बहुत से छात्र असमंजस में हैं कि लॉकडाउन के चलते सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा राहत दी है। दसवीं के जो वोकेशनल थे उन्हें तो नहीं होंगे वोकेशनल तो पेपर, और लगभग और जो मेन पेपर थे दसवीं के वो तो हो चुके हैं। और बारहवीं के जो कुछ एक विषय रह गए थे, क्योंकि इन विषयों की देखिए किस लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं इनमें दाखिले के लिए इन सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है। और बारहवीं के बोर्ड्स के जो आर्ट्स और कॉमर्स है इनके कई विषय बचे हुए थे। साइंस की तो लगभग परीक्षाएं कई ख़त्म हो गई थी लगभग। बारहवीं की मुख्य विषय की परीक्षाएं हैं जिसमें छात्र अब शामिल होंगे, उसमें बिजनेस स्टडी, भूगोल, हिंदी, इलेक्टिव कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस पुरानी और कंप्यूटर साइंस नई, ये शामिल हैं। इसके अलावा जो भी बाकी बचे हैं वोकेशनल और अन्य विषय के हैं उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके पेपर होंगे। और सीबीएसई की जो आधिकारिक वेबसाइट है cbse.nic.in, इस पर जब भी इनसे संबंधित सूचना आएगी तब आपको अवगत करा दिया जाएगा। और हमारे वीडियो से भी आप जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे माध्यम से भी आपको पता लग जाएगा कि इनके पेपर कब होंगे। और लेकिन समय समय पर अपना cbse.nic.in ज़रूर चेक करते रहें ताकि आप अपडेट रहें, आपको इस बारे में पता चलता रहे कि आपके पेपर कब हैं। और देखिए, इस समय सबसे ज़रूरी ये है कि आप घर में हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जिनके जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं वो ये ना सोचे बारहवीं कक्षा के छात्र कि उन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। केवल सीबीएसई ने कहा है कुछ एक वोकेशनल हैं उनके पेपर नहीं होंगे, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कि संस्थान में दाखिले के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनके बिना उच्च शिक्षण में संस्थान में दाखिला नहीं हो सकता। तो इन सब्जेक्ट्स की अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी करते रहें। और इस तरह की कोई भी न्यूज़ से जुड़ी, कोई भी जो करंट न्यूज़ है एजुकेशन से जुड़ी हुई है या जॉब से जुड़ी है, इस तरह की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें तथा साथ में अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि आपको समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।